नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज कर्तव्य के पथ पर चलने वाले एक ऐसे महापुरुष की बात करने जा रहा हूं जिसे कालांतर में लोग केवल नेताजी से ही जानने लगे, जबकि सुभाष चंद्र बोस नाम से वह पैदा हुए, उसी नाम से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू करी। लेकिन आज 18 अगस्त है। वैसे तो भारत में आज तक इस बात पर संशय है कि नेताजी गुमनाम हैं। गुमनामी बाबा के रूप में बड़ी चर्चाएं चलती रहीं। विमान दुर्घटना में जिस तरह से उनको बताया गया, उसको लेकर भारत में आज भी संशय है कि नहीं, वह जीवित हैं। लेकिन जापान एक ऐसा देश था जो सुभाष चंद्र बोस की मदद कर रहा था, और उसने जब वह विमान क्रैश हुआ था तो 18 अगस्त 1945 को उन्हें शहीद मान लिया था, और शहादत दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति बिरले ही पैदा होते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि क्या कारण था भारत जैसे देश में सच्चे माँ भारती के सपूत अनदेखे रह गए, अनसुने रह गए, गुमनामी में रह गए, वह गुमनामी बाबा कहलाने लगे, और जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जिन्होंने सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी बनाकर अंग्रेज़ों की चाटुकारिता की थी, अंग्रेज़ों के हाँ में हाँ मिलाया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी उग्र विरोध नहीं किया था, वह कालांतर में इस देश के राजनेता बन गए, नेता बन गए, अभिनेता बन गए, और हम ही उन्हें सही देश का कर्णधार समझने लगे। एक ऐसा युग पुरुष, एक ऐसा राजनेता जिसने 1939 में महात्मा गांधी के समर्पित और समर्थित सीताभिपट्टा रमैया को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद में हरा दिया। इतना बड़ा व्यक्तित्व था सुभाष चंद्र बोस का, जिसके आगे महात्मा गांधी भी बौने पड़ गए थे, लेकिन बाद में उन्हीं महात्मा गांधी के ऊंचाई और बड़प्पन को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। यह वही मां सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने सिंगापुर रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। पहली बार किसी व्यक्ति ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा, और बाद में वह हमेशा के लिए राष्ट्रपिता बन जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 21 अक्टूबर 1943 को देश के पूर्वोत्तर भारत में कब्जा कर लिया, अपनी सरकार बना ली, और उस सरकार को एक दो नहीं 11 देशों ने मान्यता दी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मुद्रा चलाई, अपनी सरकार का गठन किया, अपने उसमें मंत्रालय भी बनाए, और मुद्रा को 9 देश ने मान्यता दी, 11 ने सरकार को मान्यता दी। आप खुद सोचिए, 1943 में ही जिस व्यक्ति ने भारत की मुद्रा, भारत की सरकार को मान्यता विश्व स्तर पर दिला दिया हो, उसके देश में 15 अगस्त 1947 को विभाजित भारत का स्वतंत्रता दिवस जितनी धूमधाम से मनाया जाता है, उतना धूमधाम से कभी 21 अक्टूबर 1943 की याद में अविभाजित भारत का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद वह पहला दिन था जब दूसरी बार अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सफलता ही नहीं मिली थी बल्कि सरकार की स्थापना हो गई थी, मुद्रा का प्रचलन अपना आ गया था, अपने मंत्री का गठन हो गया था, मंत्रालय बन गए थे। ऐसे सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या देश के वर्तमान के संविधान में गरिमापूर्ण जीवन जीने के वो अधिकार सुनिश्चित नहीं होने चाहिए? निश्चित रूप से अनबूझ पहली से बना दिए गए सुभाष चंद्र बोस इस देश के भारत रत्न नहीं तो और कौन है? जीवित रहकर अपने को खुद भारत रत्न घोषित करने वाले जवाहरलाल नेहरू की पत्नी की देखभाल करने वाले, उनके स्वास्थ्य का इलाज कराने वाले सुभाष चंद्र बोस कितने आगे खड़े थे, अपने विरोधियों के भी परिवार का, उनके मान सम्मान का ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी हम आज सुभाष चंद्र बोस को नहीं समझ पा रहे हैं। या तो वर्तमान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जापान की परिपाटी पर चलते हुए 18 अगस्त को शहादत दिवस के रूप में मानते हुए सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के रूप में घोषित किया है और हम आज उसे मना रहे हैं। आइए, हम सब लोगों का यह निश्चित रूप से कर्तव्य है कि सुभाष चंद्र बोस को
सही तरीके से सच्चे दिल से इस देश में एक सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विजेता के रूप में स्थापित करें। 21 अक्टूबर को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। उस दिन को भारत भूमि पर स्वतंत्रता की पहले बिगुल की सफलता का दिन मानते हुए सुभाष चंद्र बोस को इस देश का वास्तविक नायक मानते हुए उन्हें राष्ट्रीय तिरंगा का सलाम देते हुए या माने कि जितने भी लोग हैं जो अपने को नेता अभिनेता कहकर स्थापित हुए उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से नहीं हो सकती। वह अविस्मरणीय हैं, उनका कद अतुलनीय है। इसलिए आज के दिन हम आप सभी शपथ लें कि सुभाष चंद्र बोस जी की स्थापना के लिए नेता बाबू नेताजी की स्थापना के लिए 21 अक्टूबर को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पहल का दिन 21 अक्टूबर को मनाया जाए, यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की आपसे आकांक्षा है, निवेदन है, ताकि वास्तविक अर्थों में जिस माँ के लाल ने इस देश में स्वतंत्रता का मतलब समझाया, स्वाभिमान का मतलब समझाया, अपनी गरिमा का मतलब समझाया, अपनी मुद्रा अपनी सरकार का मतलब समझाया, वह इस राष्ट्र में स्थापित हो सके। आइए हम सभी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं, यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की आकांक्षा है। जय हिंद, जय भारत।